कहता था, आप लोग यकीन नहीं मानते थे, जिस विचारधारा में अपनी बूढ़ी माँ को 4,000 रुपए निकालने के लिए नोटबंदी में भेज दिया जाए, जिस विचारधारा के तहत जो महिला गुजरात से पुकार रही है कि मेरे साथ आ जाओ, मुझे साथ में रखो, मेरा पासपोर्ट बनवा दो और उस मर्द पे कोई असर ना पड़े, उस मर्द से ये उम्मीद करना कि वो इन महिलाओं की बात सुनेंगे, ये पहले से ही मैं आपको कह रहा था कि ये उम्मीद मत कीजिए, और आज वही बात सच साबित हो चुकी है। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री संवेदनशील होते, अगर ये सरकार संवेदनशील होती, तो अब तक इस वाइस चांसलर का इस्तीफा आ गया होता, और आएगा नहीं, किसी भी रूप में इस्तीफा नहीं आएगा। इनका बयान है कि अगर देश की सरकार में आरएसएस बैठी है तो मेरे विश्वविद्यालय में शाखा खुल जाए, तो इसमें क्या खराब बात है? जब देश की विचारधारा को आरएसएस वाली बता रहे हैं और उससे शाखाएं खुलवाने का काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे शाखा के प्रभारी, वाइस चांसलर नहीं, शाखा के प्रभारी ये कार्रवाई करेंगे? ये तो बाबा राम रहीम के समर्थक हैं, ये तो बाबा राम रहीम जैसे लोगों को बचाने वाले हैं। साक्षी महाराज का बयान मालूम है ना, बाबा राम रहीम ने बलात्कार किया, उनके चरणों में कौन साष्टांग कर रहा था पूरे देश ने देखा, उनको कोर्ट ने सजा दिलवाई और साक्षी महाराज ने कहा कि कोर्ट गलत है, सिर्फ 2 महिलाओं ने आरोप लगाया है, आप तमाम लोगों की षड्यंत्र है, ये कहने वाले सांसद इनकी पार्टी में है और उनपे कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बहन बेटी, और अगर मेरी बहन और बेटी नहीं भी है तो देश की महिलाओं के लिए खड़े होने वाले और उनके साथ एकजुट होने वाले लोग नहीं है, क्योंकि संघ परिवार का, मुझे एक बार बता दीजिए, आरएसएस ने कभी भी महिला संचालक बनाया है? नहीं बनाया है, और ना वो बनाएंगे, ना भाजपा कभी अपनी महिलाओं को उनके पार्टी की अध्यक्ष बनाएगी। तो जिस पार्टी और परिवार की विचारधारा ही मूलभूत से महिला विरोधी हो, उनसे महिलाओं के हक की बात करना ये सरासर बेवकूफी का काम है। हम लोग ये तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री मन की बात छोड़ के इन महिलाओं की और हमारी जंग की बात नहीं सुनते। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।